सिर्फ नाम है, ऐसी है जिंदगी। नफीस ने कराची शिफ्ट होने का फैसला कर लिया, लेकिन मुझे तुमसे एक वादा लेना होगा। कैसा वादा? तुम जब कराची में होगी तो साहिर से मिलने की कोशिश नहीं करोगे। बहुत जल्द मेरा ऑपरेशन है, इसीलिए आपसे मिलने चली हूं। क्या पता फिर मुलाकात हो या ना हो। कि अगर जिंदगी के किसी भी मोड़ पर रानिया को तना पाऊं तो उसका हाथ थाम ले, सब कुछ भूल कर उसे अपनी जिंदगी में शामिल कर ले। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन ठीक से हो गया ना? मारिया ठीक है ना? आई एम सॉरी, हम नहीं बचा सके। मारिया, अब तो तुम ठीक हो गई हो, फिर इस तरह बेवक्त होने का मकसद? चलो उठो, घर चलते हैं। चलो मारिया, चलो ना घर चलते हैं। साहिर भी घर पर अकेला है, और तुम जानती हो ना, वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। चलो 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 मारिया, उठो घर चलो। मैं समझ गया, मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले डांटा था, इसलिए नाराज हो ना मुझसे। ओके, आई एम सॉरी, मैंने जो कहा था ना वो गलत था। चलो ना घर चलते हैं। चलो, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूं। कहा ना आई एम सॉरी, अब नहीं होगा ऐसा। चल आलम। बेटा, ये अब इस दुनिया में नहीं रही, चली गई है। अब बेटा किससे बात कर रहा है? नहीं, ये मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। इसने मुझसे वादा किया था कि आखिरी वक्त तक मेरा साथ देगी। अपने वादे की बहुत पक्की है ये, नहीं चाहेगी मुझे छोड़कर। चलो चलो घर चलते। चलो आराम है कोई शामिल मेरे वजूद। आज मैं तवील अरसे के बाद तुम्हारे पास आया हूँ। साहिर अब बड़ा हो गया है, काश काश कि तुम मेरे साथ होते तो मेरे पास उसके हर सवाल का जवाब होता। Thank you.
10 साल साहिर के साथ बाहर मुल्क गुजार कर सिर्फ अपनी माँ से यहाँ मिलने के लिए आई हूँ, फिर दोबारा अपनी माँ को छोड़कर शहर वापस जा रही हूँ। क्या करूँ अम्मा साहब, साहिर की तालीम भी तो मुकम्मल करवानी है, अगर यहाँ रहेगा तो उसका हाल भी अदा के बच्चों की तरह होगा। इतनी सी उम्र में उन्हें ये यकीन हो गया है कि वो चाहे तालीम हासिल करें या ना करें, उन्हें लोगों पर राज करना है। और अम्मा साहब, दुख और अफसोस की बात तो यह है कि अदा ने अपने बेटों को इतनी छूट दे रखी है, उनके बारे में इतने आज़ाद ख्याल हैं और बेटियों के मामले में इतने ही तंग नज़र साबित हुए। अम्मा साहब, कंदील को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई जानवर। सच बताऊं आलम, मेरा दिल भी यही चाहता है कि जहांजेब की औलाद भी ऐसी ही काबिल हो जैसे तुम साहिर को बना रहे हो, मगर तुम्हारे बाबा साईं का तो यही ख्याल था कि मेरे पोते राज करेंगे, डिग्रियों वाले भी उनके आगे सर झुकाएंगे, फिर डिग्री हासिल करने की जरूरत ही क्या है, और लड़कियों के मामले में उसका तो ये ख्याल था कि लड़कियां अगर तालीम हासिल कर ले तो वो बेहया बेशरम हो जाती है, जबान खोलने लगती है, मर्दों के मामले में बोलने लगती है, और जहांजेब और शर्मिला को तो तुम अच्छी तरह जानते हो ना, उनके ख्यालात भी बिल्कुल तुम्हारे बाबा साईं जैसे ही हैं। अम्मा साहब, अदा और भाभी इस नस्ल को तबाह कर रहे हैं, और अफसोस की बात तो यह है कि उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं है। छोड़ो, तुम अपना दिल बुरा ना करो, और वैसे भी यहाँ कुछ बदलने वाला नहीं है, पर आलम एक बात तो मुझे बता, शहर में जब आबाद तेरा जाती फ्लैट है ना, फिर तुम कोठी क्यों खरीद कर रहे हो? तुम और साहिर मेरे पास यहाँ हवेली में रह जाओ। नहीं अम्मा साहब, ये नहीं हो सकता, मैं साहिर को लेकर इस हवेली में वापस नहीं आ सकता, अगर उसे यहां लेकर आया तो मुझे डर है कि मैं उसे खो दूंगा। अस्सलाम वालेकुम बाबा साहब। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो, खुश रहो। बाबा साईं खैरियत तो है? अम्मा साहब की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, परेशान हो तू, सब ठीक है, लेकिन बाबा साईं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? आलम बेटा, मुझे तुझसे एक बड़ी जरूरी बात करनी है। आ आ बैठ। आलम जी। बाबा साहब। बेटा असल में मुझसे एक गलती हो गई है। गलती? एक ऐसी गलती जो कभी होनी नहीं चाहिए थी। बाबा साईं खुलकर कहें, आप क्या कहना चाहते हैं? बेटा तू जानता है कि मैं साहिर से बड़ी मोहब्बत करता हूं और उसके लिए कभी बुरा नहीं सोच सकता मैं। जी बाबा साईं, ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूं, इसमें कोई शक नहीं। पिछले दिनों मुझे दिल का दौरा पड़ा था। क्या? और बाबा साईं किसी ने मुझे बताया भी नहीं? ओए मैंने खुद मना किया था। मगर क्यों? बेटा तेरी जिंदगी में पहले कौन सी खुशियां हैं जो अब हर छोटे बड़े गम का बोझ भी तुझ पे डाल दूंगा। बाबा साईं फिर भी। ओए बेटा इस वक्त वो सुन ले जो मैं तुझे बताना चाहता हूँ। कहिए बाबा साईं। वो जहांजेब को पता चल गया है कि साहिर उसका बेटा है।
क्या? मगर कैसे? बस बेटा, जब मुझे दिल का दौरा पड़ा तो मुझे लगा कि अब मैं नहीं बचूंगा। जाने से पहले मैं जहांजेब को यह एहसास दिलाना चाहता था कि उसने जिंदगी में एक ऐसी ज्यादती की है जिसके लिए अल्लाह सही उसे कभी माफ नहीं करेगा। अपने बेटे को मुसलसल गुनाह से बाज रखने के लिए मैंने उसको बता दिया कि साहिर तुम्हारा नहीं बल्कि उसका और गुलनार का बेटा है। नहीं बाबा साहिब, आपने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मेरी सारी जिंदगी की रियासतों और कुर्बानियों का आपने मुझे यह सिला दिया है। अपने एक बेटे को रोजे महशर में हिसाब किताब से बचाने के लिए आपने अपने दूसरे बेटे की खुशियां छीन ली, जबकि बाबा साईं आप अच्छी तरह जानते हैं कि साहिर वो वाहिद खुशी है जो मुझे जिंदगी में मिली है। बाबा साईं, साहिर मेरी जिंदगी का असासा है और आपने मेरी जिंदगी का आलम बेटा, साहिर तेरा है और तेरा ही रहेगा, तू परेशान ना हो। मैंने जहांजेब से वादा लिया है कि वो जिंदगी भर साहिर पर अपना हक नहीं जताएगा। मुझे अदा पर ना पहले कभी भरोसा था, ना है और ना कभी होगा। और बाबा साईं, आप जाकर कह दीजिएगा अपने बेटे से, चाहे वो साहिर के इस दुनिया में आने का सबब हो, लेकिन साहिर मेरा बेटा है और मैंने उसे जीना सिखाया है। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो दुनिया वालों के सामने ये कबूल कर सके कि साहिर उनका बेटा है। और मैं ये बात गुरूर से कहता हूं कि साहिर मेरा बेटा है और मुझे दुनिया वालों का खौफ नहीं है, क्योंकि साहिर ही मेरी दुनिया है। आलमन, तुम अगर शादी कर लो तो तुझे दुख सुख का साथी मिल जाएगा और साहिर को उसकी मां मिल जाएगी। नहीं माता, मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है, और रही जहां तक साहिर की बात, उसके लिए मैं काफी हूं। बेटा, ख्वाब, ख्वाहिशें और जज्बात इनकी कोई हकीकत नहीं है। अब बेटा, इन छोटी छोटी बातों को अहमियत मत दिया करो, सिर्फ उस बात पे ध्यान दो जिसके लिए तुम घर से निकले हो। हिसार-ए-इश्क, हिसार-ए-इश्क। ये मोहतरमा तो अभी तक सो रही हैं। सहर, सहर बेटा, उठ जाओ, कॉलेज का आज पहला दिन है और पहले दिन ही तुम्हारा लेट होने का इरादा है। अगर इसी तरह लेट उठती रही ना तो तुम बन गई वकील और सब लोगों को मिल गया इंसाफ। मम्मा, आप भी ना उठा कर ही दम लेती। जब तुम्हें पता है तो शराफत से उठ क्यों नहीं जाती? अच्छा चलो, नफीस मामू, तमीना मामा ने तुम्हारे नाश्ते पे इंतजार कर रहे हैं, ठीक है? पर जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। अब सोना नहीं है बिल्कुल, ठीक है? Thank you.
नादिया कॉलेज के लिए तैयार हो गई बेटा? जी। और ये क्या, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारे अबू को तुम्हारे खुले बाल बिल्कुल नहीं पसंद, तुमने फिर खोल लिए बेटा। मम्मी कॉलेज में सारी लड़कियां तैयार होकर जाती हैं, मैंने सिर्फ बाल खोले हैं। बेटा आप अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे अबू शक्की मिजाज है और हर इंसान का अपना अपना रहने का तरीका होता है। ये जरूरी नहीं है बेटा कि जो सब करें वो तुम भी कर सको। अबू गर्मी थोड़ी है, ऑफिस में है ना, उन्हें क्या पता। बेटा तुम्हारी दादी तो है ना, शर्म नहीं आती उन्हें सुमन में रिपोर्टिंग करते हुए? फजूल बातें मत करो, बाल बांधो और चादर लेकर जाना। चादर? सब मुझे दादी अम्मा कहते हैं, मैंने नहीं लेनी कोई चादर वादर। देखो बेटा तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारे अब्बू और दादी ने सिर्फ इसी शर्त पे तुम्हें इजाजत दी है कि तुम उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करो। और बेटा इन छोटी छोटी बातों को अहमियत मत दिया करो, सिर्फ उस बात पे ध्यान दो जिसके लिए तुम घर से निकली हो, अपनी सारी तवज्जो अपनी पढ़ाई पर दिया करो। और ख्वाहिशें उनका क्या? बेटा ख्वाब ख्वाहिशें और जज्बात इनकी कोई हकीकत नहीं है, सब फजूल बातें। अपने आप को उसी दायरे में समेट के रखना सीखो बेटा जो तुम्हारे अपनों ने तुम्हारे इर्द गिर्द खींच दिया है, जिंदगी जीना आसान हो जाएगा। और अगर इस दायरे से निकलने की कोशिश करोगी तो मुश्किलात में इजाफा होगा। और मेरी बेटी तो बहुत समझदार है ना? इतने बीमार और आपने मुझे नहीं समझा, क्या मैं आपका बेटा नहीं जो आपने अपनी तकलीफ से मुझे दूर रखा? तू तो मेरा वो बेटा है जिसको मेरी जात ने सिर्फ धोखा दिया है, पकड़ दिया है। मैंने बाप होते हुए भी तेरी सारी खुशियां छीन ली है बेटा। मैंने बाप का फर्ज पूरा नहीं किया। नहीं बाबा साईं, आपका और मेरा रिश्ता ऐसा थोड़ी है जिस पर हालात असरअंदाज हो जाए। आपका और मेरा रिश्ता एक अटल हकीकत है। आप और मैं चाहे कितना ही इनकार कर लें, अगर यह हकीकत नहीं बदल सकते कभी नहीं। आलम उठा, मुझे माफ कर दे बेटा, बड़े दुखिया है, मैंने तुझे बड़े दुख दिए हैं। ये देख आलम, मैं तेरे हालात सुनता हूँ। मिस्टर, अल्लाह ने दो आंखें देखने के लिए दिए। लड़कियों की माए ना तुम जैसी हो,
लड़कियों पे नजर रखी जाती है, भरोसा नहीं किया जाता। तुम भी तो पढ़ने ही जाती थी ना, और उसी लड़के से चक्का चलाया जिससे तुमने निकाह किया था। देखो अब तुम मेरे लिए चैलेंज बनने की कोशिश कर रही हो। और ये कह रहे हैं बंदे के लिए चैलेंज बनना खुद मेरी तौहीन है। मेरा भी वादा है तुमसे, मैं अपनी जात की शनाख्त तुम्हें ऐसे करवाऊंगा कि चाहोगी बिना भूल नहीं पाओगे। दिल में जो बस के सांसों का नाता ही तोड़ दे, दिल में जो बस के सांसों का नाता ही तोड़ दे, बस में नहीं है ये भी के साथ उनका छोड़ दे। ऐसा ही सारे इश्क है